Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, सफरनामा हो गया शुरू और हम लोग चले राजस्थान की तरफ और अभी मैं निकला हूँ घर से. ये मेरा बैग और ये मेरा गैजेट्स का बैग ब्लैक वाला और मैं ऑटो रिक्शा में बैठा हूँ. ये ऑटो रिक्शा जो है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी का है, मुन्ना जैन मिमिक्री आर्टिस्ट. ठीक है, इनका नाम है मुन्ना जैन मिमिक्री आर्टिस्ट. इनका पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको जरूर विजिट करें, देखें. ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट है. सो मेरे सफ़र की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है माशाल्लाह. सो मैंने सोचा कि चलो इसको कवर कर लेते, काफ़ी मज़ा आएगा लोगों को कि समीर भाई ने कुछ नया लेकर आए. तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा मुन्ना भाई को और अभी फ्रंट कैमरा में आपको इसमें से दिखाऊंगा. मिरर के अंदर तो दिख ही नहीं रहे हो आप मुन्ना भाई, मैं दिखाऊंगा. चलो आपको कोशिश करता हूं मैं, ठीक है. और कुछ तो कोई से भी आर्टिस्ट की आपको आवाज़ सुनाएंगे, ठीक है. चलिए तो मिलाते हैं आपको मुन्ना भाई से. गाइज, इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा. शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा. आप लोग मुझसे डीएम या मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और मुन्ना भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. इनका नंबर मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. फूल इंसान ने बनाए गुलदस्ते, क्या बात है. कुदरत ने बनाए फूल और इंसान ने बनाए गुलदस्ते. शो देखने वालों को मेरा यानी कि मुन्ना जैन का प्यार भरा नमस्ते. अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया मुन्ना भाई. क्या पर गिरे शबनम तो पत्ती नम नहीं होती, पत्ती पर गिरे शबनम तो पत्ती नम नहीं होती, दुनिया लाख जुदाई चाहे तो क्या मोहब्बत कम नहीं होती. अरे वाह बहुत बढ़िया. तो वैसे तो मैं गाड़ी चलाते वक्त निकलता नहीं हूँ, लेकिन भाई ने काफी रिक्वेस्ट की इसलिए मेरी कोशिश है. और ये सारी जो आवाज है ये साउंड सर्विस में ही अच्छी लगती है, लेकिन नॉर्मल आवाज तो आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो चलाते हुए अपना आर्ट दिखाने वाले हम लोगों को. ये इनकी बहुत अच्छी बात लगी मुझे, इन्होंने मुझे ज्यादा फोर्स नहीं करवाया, इन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया. तो मुन्ना भाई जरा वो फिल्म क्रांति हुई नाना पाटेकर के डायलॉग से तो सभी हुआ. उस डायलॉग के जरिए ना नाना पाटेकर जी ने एक यही संदेश दिया कि हम भारतवासी जितने भी हैं हमारी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, केवल और केवल हमारी एक जात है इंसानियत की. इंसानियत की, वाह क्या बात है. उसके ऊपर मैं एक शेर अर्ज कर रहा, ये डायलॉग अर्ज कर रहा हूँ. एक बात बता मेरे को तू, इन मौसमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया तूने? देख इस माने इन मौसमों के में बचपन से दुश्मनी का भी तो होते आ रहा है. असले जाने चाहते धरा, ये कौन है कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है गंगा भाभी? तेरे बच्चों को कौन पढ़ती थी गंगा भाभी? उसको गाय को नहीं काटा, असले जाने चाहते धरा. पहले हिंदू का खून और ये मुसलमान का, बता इसमें हिंदू का कौन सा और मुसलमान का कौन सा? साले बनाने वाले ने इस पर कोई फर्क नहीं किया, फर्क करने वाले तू कौन होता? कलम वाली भाई दिक्कत थी उसकी, सच्ची कड़ी बात है तुम्हारी गोपनी में नहीं घुसती. साले कल तक एक दूसरे को तो हर महीने हुआ करते थे, एक दूसरे के सुख में काम आते थे, टाइफॉइड टकले पर लेकर जाते थे गणपति पानी में. गणपति बप्पा बोरिया गाय को नाश्ता था या लामा सलेला आला सीधा ना मोला ना मोहम्मदी वावारी को सलीम ये उर्दू साहित्य को किस तरह का अब चंद के तारे की शादी से मांग करके तू अपने भाईचारे को दफनाना चाहता. अरे वाह क्या बात है मुन्ना भाई. अब एक और किसी आर्टिस्ट की आवाज सुना दीजिए प्लीज. प्रेम चोपड़ा की आवाज, प्रेम चोपड़ा. वाह, प्रेम चोपड़ा की आवाज के लिए मैं एक्टिंग करता हूँ, लेकिन उसके फिर भी मेरे को इसे चालू है. मैं एक शक्ल भी बना. ओके क्या पूछ ताजी तो क्या ना नहीं ताजी गूगल ही करेगी मेरा टाइम है प्रेम किसी का कुछ भी पता तो बड़े बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. जो जिसे ये ना मेरा वो साउंड इफेक्ट है. हाँ हाँ, तो आप एक्चुअल में अभी जो हम लोग ने दिखा ये एकदम नेचुरल आर्ट दिखाया है आपका, है ना. और वैसे आप साउंड इफेक्ट के ऊपर काम करते हो. एक्टिंग में मेरी जो पूरा शो जो लेके जाता हूँ मैं पूरा. हाँ हाँ, शेर व शायरी पे लेके जाता हूँ. वाह, तेरे दामन को मैं सितारों से तो नहीं भर सकता. क्या बात है. तेरे दामन को मैं सितारों से तो नहीं भर सकता, तू अगर मोती समझ ले तो मैं आंसू दूंगा. अच्छा, अगर मोती समझ ले तो मैं आंसू दूंगा. मैं हूँ एक सूखा हुआ पेड़ मगर चंदन का, तू अगर कत्ल भी कर दे
तो खुश हो दूंगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो मैं 5 साल से चला रहा हूँ, मैं 20-25 साल पहले से शो करके आ रहा था। अभी आप क्या कर रहे हो एट प्रेजेंट? शो ही कर रहा हूँ और टाइम मिलता तो गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी मेरी खुद की नहीं है, गाड़ी इसलिए भी नहीं डाला क्योंकि फुल टाइम मेरा ऑल इंडिया यही शो रहता था। अच्छा, अभी थोड़ा कम हुआ लॉकडाउन के बाद में। ओके ओके, अभी आप रहने के लिए एकदम बाजू में रहता हूँ, मस्जिद के पास। मस्जिद के पास? अच्छा, वो जो स्टेशन के पास जो मस्जिद है, मुन्ना जैन के नाम से पैदा। अच्छा, मराठी पिक्चर है मेरी आखिरी शोले जॉनी रावत के साथ। अच्छा, अभी भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओके, शोले में मराठी पिक्चर है, कॉमेडी कॉमेडी में डाली हुई है, तो उसमें गब्बर के तीन आदमी में धुलिया कैरेक्टर मेरा है। अच्छा, किसका कौन सा वाला? धुलिया, धुलिया, धुलिया के तीन आदमी ना, कालिया धुलिया वाला वो। हाँ, तो आखिरी शोले फिल्म में मैंने वो भी काम किया हुआ है। अरे वाह, कंटिन्यू मैंने 20-25 साल से लगातार शोज किए राजस्थानी, गुजराती, गोवा। अच्छा, आपको राजस्थानी लैंग्वेज वगैरह सब आती है? नहीं, आती है मुझे हिंदी। हाँ, लेकिन मैं ऐसा टून देता हूँ जो हर एक भाषा में मैं चल जाता हूँ। अच्छा, चेन्नई में कोई नहीं जानता है ज्यादातर हिंदी। हाँ, वहाँ पे मैं शो देखे हैं। अच्छा, गुजरात में ज्यादातर शो देखे हैं। ओके, यूपी, बिहार, बिहार में ये भटनी भट्टी रेलवे स्टेशन है। ओके, वहाँ आसपास के क्षेत्र में काफी शो देखे हैं। सही है, तो ये रही मेरे सफर की शुरुआत। एक अभी हम लोग आपको एक शॉर्ट्स दिखाएंगे, बहुत एक शॉर्ट्स बनाऊंगा मैं इनके साथ में, और वो जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगा और फिर पूरा यूट्यूब पे वीडियो आएगा इंशाल्लाह। जल्द जल्द एक शेर याद आया तो जी 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 जी। लाखों फूल कम पड़ते हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए। क्या बात है, लाखों कम पड़ते हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए। वाह, एक फूल ही काफी होता है किसी के जनाजे पर चढ़ाने के लिए। अरे वाह, एक खुशी ही काफी होती है लाखों गम को भुलाने के लिए। हाँ, एक गम ही काफी होता है इंसान को सारी जिंदगी रुलाने के लिए। क्या बात है, तो जैन भाई, मुन्ना जैन भाई, आपसे लेंगे विदा। और आपने हमारा सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छे से शुरू करवा दिया, अल्लाह ने आपसे मिला दिया। और मैं भी गोवंडी में ही रहने वाला हूँ, मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। आपका एक नंबर पे बता दीजिए प्लीज़, अगर किसी का नंबर है 9 8 2 0 8 6 9 4 जी जी, वापस रिपीट कीजिए ना, 9 8 9 8 2 0 8 2 0 8 6 9 4 6 9 4 2 2। एक बार जैन के नाम से मैं फेमस हूँ, यूट्यूब और फेसबुक दोनों भी है मेरा। ओके, एक बार फिर नंबर रिपीट कीजिए आपका प्लीज, 9 8। हाँ हाँ, 2 0 8। हाँ हाँ, 6 9 4। हाँ हाँ, 2 2। मुन्ना जैन, मुन्ना जैन के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक आईडी है, आप लोग इस पे विजिट करें और इनके इस अंदाज को इंजॉय करें, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। स्टार्ट। इश्क वो नशा है जो आंखों में बसा करता है, इश्क वो नशा है जो आंखों में बसा करता है, प्यार वो कली है जो कांटों से खिला करती है, सर पर ताज हो ना हो लेकिन हर एक दिल में एक आज बसा करता है। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत है। कुछ एक है ना फीमेल्स के ऊपर जरा अच्छी खूबसूरत, मतलब वो जैसे माहौल, जैसे कोई डांसर आ रही है गाने के लिए आ रही है तो उसके लिए बोलता हूँ, जुगनू तुझे रात में चमकने की क्या जरूरत है। अच्छा, यानी रात में चमकने वाला कीड़ा, जुगनू तुझे रात में चमकने की क्या जरूरत है, तुझे अपने परछाइयों से डरने की क्या जरूरत है। क्या बात है, तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर तो चांद भी झुक कर सलाम करता है, फिर इसने सजने संवरने की क्या जरूरत है। क्या बात है, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग फिर और देखेंगे कुछ इनके अंदर से निकल कर आता है तो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे व्हाट टाइम के बाद माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं सर भाई, और ये किधर बैठे अभी अपन? फिलहाल अपन अहमदाबाद में। अहमदाबाद पहुँच गए, मोती महल में। शफीक भाई के साथ में जा रहे हैं? कभी कभी आना पड़ता है ना, देखना पड़ता है। राजस्थान, तुम्हारा क्या विचार चल रहा है भाई? राजस्थान आए तो ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो जाना ही ना राजस्थान। अब जंगल में पकड़ बनाने? हाँ, जंगल में तो पकड़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मजबूत ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जाहिर है। ओके, और लोकल का काम तो चालू ही है, तो कुछ जाते हैं शिकार की तलाश। शिकार, चलो ठीक है। हाँ, तो खाने का ऑर्डर दे दिए भाई? खाने का ऑर्डर दे दिए। सही है, और शिकार की तलाश में जा रहे हैं। हाँ, दुआ करो सफ़र आसान रहे,
और अपने मतलब का, लोगों के मतलब का अच्छा सस्ता और टिकाऊ और क्वालिटी का भी माल लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हम लोग पहले तो जाएंगे फलोदी, अभी यहाँ से अपनी साबरमती से। शफीक भाई कैसा रूट है अपना, अपन आए कैसे? बांद्रा टू अहमदाबाद का सफर हो गया, साबरमती से फलोदी का होगा, फिर फलोदी से निन्नो का होगा, निन्नो विन्नो ये वो सब जगह जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो ये वीडियो को धीरे 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 करके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके भाई, रश्रफ भाई कहाँ बैठे हैं अपन अभी? अहमदाबाद स्टेशन नहीं है, साबरमती स्टेशन, साबरमती स्टेशन आ गए। फलोदी जाने का एक नया रूट हमने इजाद किया है। हमने क्या, शफीक भाई ने इजाद किया। थैंक यू। सुबह में घर से निकलो, रात में अहमदाबाद उतरो, अहमदाबाद में खाना खाओ, वहाँ से सो ये ट्रेन, वहाँ से ऑटो करो, साबरमती स्टेशन आओ, यहाँ से आपको ये ट्रेन मिलेगी जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस। इसमें ये अपने ये हमारे जो ऑफिसर साहब है, सूर्य नगरी के ऑफिसर है, इसमें भी आप इसके अंदर ही हो। मैं गांव जा रहा हूँ। चलो बहुत अच्छे। सो ये एक नया रूट है फलोदी, और ये ट्रेन भी है, और ये ट्रेन डायरेक्ट फलोदी जाती है, दिखा दो। जैसलमेर जाती है? हाँ जैसलमेर। चलो मैं आपको इसका ये नंबर दिखा देता हूँ, जोधपुर साबरमती जैसलमेर। कमीशन लगेगा तुमको क्या है? क्या तो ऐसा कर, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है भाई। चलो बुन से सागर बनता भाई, बन रहा है ना। हाँ सही, ठीक है चलो। सो गाइज पहुंच गए फलोदी, ठीक है, हमारे हाफिज साहब आ गए हमसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ठीक है, और अभी हम लोग चले हाफिज साहब के घर पे। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। वालेकुम सलाम, क्या बोलते हैं? बधारो हमारे देश। अच्छा शफीक भाई, क्या पे शफीक भाई के लिए यहाँ पे भी गाड़ी अवेलेबल है ना? माशाल्लाह की ही गाड़ी है भाई, अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके यहाँ पे ठाट बाट बहुत अलग है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो जोड़ी कपड़े यहाँ रहते हैं, चप्पल यहाँ रहती है। इज्जत दे भाई, चल सरप्राइज और एक देता हूँ तुम्हारे को लेके। चप्पल यहाँ पड़ी रहती है भाई की, वहां से चलने से पहले फोन करते हैं, मेरी चप्पल है ना हाफिज साहब? नहीं है, दूसरी लेकर आ जाओ। वीडियो में सब डिस्कस। तो फिर अरे थोड़ी हल्का फुल्का आदमी है वो। और क्या बोलते हैं बाकी, क्या प्लानिंग है फिर अभी यहाँ से अशरफ भाई? फलोदी में अभी पहले तो भाई के जानवर सब देख लेते हैं जाके। हाँ हाँ, क्या कंडीशन में क्या नहीं। हाँ हाँ, बातचीत करेंगे इंशाल्लाह बैठ के पोर्शन में इंशाल्लाह, बाद में यहाँ से सफर आगे जारी रखेंगे। हाँ दुआ करो सौदा पटे, अच्छे अच्छे पड़े, आवे लोगों तक माल पहुँचे इंशाल्लाह, और अच्छा माल पहुँचे इंशाल्लाह। अभी साहब क्या हालचाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है साहब, आप लोगों की दुआ है, मजे से बकरे पल रहे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलो बहुत बढ़िया। समीर भाई अपन जो सोच के आए थे ठंडी, वो ठंडी कहीं मिली नहीं अपने को। वो नहीं मिली भाई, और मैं लोगों तो ने अपने को डरा दिया था बम्बई में, बैग पूरा मेरा गर्म कपड़ों से भरा हुआ है, ये है वो है जा रहे हो, ठंडी नहीं, नो ठंडी नहीं, हमने अभी तक जैकेट निकाला नहीं है अभी तक, ना कान पट्टी, ना हाथ के मोजे, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अब खाली अमीन भाई ने पहन लिए जैकेट, लेकिन हम लोग सबके तो आना है, राजस्थान आ सकता है, बेधड़क आ सकता है, लोगों ने अफवाह बहुत उड़ा के रखी है। अभी टाइम हो रहा है 10:15, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी धूप आ गई है। हाँ कोई ठंडी उंडी नहीं है भाई, और रहेगी तो हम लोग यहाँ ठंडी है, अपने घर पे जाएंगे ना तो अशरफ भाई मट्टी की वजह से यूं बिल्कुल यूं गर्म सा गर्माहट महसूस होती है माशाल्लाह, हकीकत की बात, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हुआ है आपकी बरकत से खाली 2-3 दिन में। अच्छा, पहले बहुत ज्यादा ठंड थी, बर्फ गाड़ी के ऊपर बर्फ जम रही थी। अरे बाप रे, और रफीक ने खुद ने उतारी, बोला क्या यार सेठ जी आ रहे हैं इतनी ठंडी में क्या होगा। अरे लल्ला मिस हो गया यार शफीक भाई, लेट हो गया, नहीं अभी मिल जाएगी, अपने नसीब में होगी तो मिल जाएगी। चलो अभी जाएंगे घर पे, और फिर उसके बाद वीडियोस की सीरीज चालू होगी इंशाल्लाह, और वीडियोस आएगी आप लोगों को, वीडियोस जैसे हमेशा फलोदी की देखने को मिलती है, इस बार फिर से आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ से फलोदी की वीडियोस आने लगेगी अभी इंशाल्लाह MSU व्लॉग्स के ऊपर। तो चलो ये वीडियो को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अपन फोर्स्ड हो गए है ना। सो गाइस ये वीडियो को क्लोज कर देता हूँ मैं, सफर खत्म हो गया, फलोदी पहुंच गए, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।